नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज लेके हैं आप सभी के लिए। हरियाणा आई सबसे बुरी खबर, तीन जिलों की हालत बहुत खराब। अब क्या होगा, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आई है हरियाणा से, वीडियो अंत तक देखिएगा। रिक्वेस्ट करूंगा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, वीडियो को लाइक शेयर करने न भूले। आप सभी को बता देते हैं, हरियाणा में रविवार को 53 नए मरीजों के साथ कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1184 पहुंच गई है। 53 नए मरीज आए हैं आज, 14 गुरुग्राम में, 9 करनाल में, 8 हिसार में, 7 रेवाड़ी में, 5 सोनीपत में, 5 झज्जर में, 2 पानीपत में, 1 रोहतक में, 1 कैथल में, 1 नया केस मिला है। वहीं हरियाणा में अब कुल 765 मरीज ठीक हो चुके हैं। रविवार को 15 मरीजों को छुट्टी भी मिली है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, फतेहाबाद, रेवाड़ी में एक मरीज डिस्चार्ज भी हुआ है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या कुछ खतरा बना हुआ है। करनाल में एक ही परिवार के 7 हुए हैं संक्रमित। करनाल में रविवार को 8 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 4 चमल गार्डन के पास के एक ही परिवार के हैं। इस परिवार के 7 सदस्य संक्रमित हो गए हैं। एक सप्ताह पहले एक शादी समारोह में दिल्ली गए थे। शनिवार को इस परिवार के सदस्यों ने माता पिता और बेटा संक्रमित मिले थे। रविवार को बेटा, छोटा बेटा, बड़े बेटे की बहू, 2 पोते संक्रमित भी मिले हैं। पूरा मामला यहाँ पर आप देख सकते हैं। हरियाणा के टोटल मरीजों की संख्या 1184 पहुँच चुकी है। अमेरिका से लौटे 21 कोरोना पॉजिटिव के साथ साथ गुरुग्राम में 271, फरीदाबाद में 209, सोनीपत में 159, झज्जर में 93, नूह में 65, अम्बाड़ा में 42, पलवल में 41, पानीपत में 54, पंचकुला में 25, जींद में 26, करनाल में 32, रोहतक में 16, महेंद्रगढ़ में 21, रेवाड़ी में 16, सिरसा में 9, फतेहाबाद व यमुनानगर में 8 8, हिसार में 19, कुरुक्षेत्र में 15, भिवानी में 8, कैथल व चरखी दादरी में 6, भिवानी में 8 संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके अलावा मेदांता अस्पताल गुरुग्राम में 14 इटली के मरीजों को भी हरियाणा ने अपनी सूची में जोड़ा है।